Yeah.
राधा मदन मोहन जी की, श्री श्री जगन्नाथ दास की, श्री श्री गौरनिताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, समेत भक्त वृंद की जय, बहुत प्रेमानंद ऑल ग्लोरी टू द सिंबल डिवोटेड, ऑल ग्लोरी टू द सिंबल डिवोटेड, ऑल ग्लोरी टू द सिंबल डिवोटेड, all glory, all glory, all glory is to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं तापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे तो आज कई सारे उत्सव हैं। आज पूर्णिमा भी है, भद्र पूर्णिमा। क्या है? भद्र, भाद्रपद, भाद्र मास की पूर्णिमा। भाद्र मास की पूर्णिमा का मतलब है कि भाद्र मास का अंतिम दिन है ना, और इसके बाद शुरू होगा आश्विन। क्या? आश्विन मास, थर्ड चतुर्मासे का तीसरा महीना आज शुरू होगा, है ना। और आज कई दिन विश्वरूप महोत्सव भी है, श्री विश्वरूप महोत्सव। श्री विश्वरूप श्री विश्वंभर के बड़े भाई। विश्वंभर कौन है? हाँ, आज के दिन विश्वरूप महोत्सव है ना? तो विश्वरूप महोत्सव के बारे में पहले चर्चा करेंगे। विश्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, है ना। आज के दिन विश्वरूप महोत्सव क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद, आप लोग जानते हैं, साउथ इंडिया की यात्रा पर गए, है ना। और वह एक उद्देश्य था चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत की यात्रा का किया। उसमें एक उद्देश्य, वैसे तो कई सारे उद्देश्य थे, लेकिन एक उद्देश्य था अपने बड़े भाई विश्वरूप की खोज करना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने से पहले श्री विश्वरूप संन्यास ले चुके थे, लेकिन पता नहीं था कि कहाँ गए हो, किसी को कोई सूचना नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु ढूंढते हुए पहुंचे पंडरपुर। कहा? पंडरपुर। पंडरपुर गए हैं आप लोग? माता जी गए। इस बार हमारा IIC का वहीं पर कन्वेंशन, नेशनल टीचर्स कन्वेंशन भी है पंडरपुर में, और वहां पर विठ्ठल भगवान विठ्ठल का सुंदर विग्रह है पंडरपुर में। वहां पे एक महान भक्त थे जिनका नाम था कुंडलिक, और कुंडलिक जो थे वो अपने माता पिता की सेवा करते थे, और बहुत उच्च कोटि के भक्त भी थे, भगवान के सुंदर भक्ति में भजन गाया करते थे।
तो भजन में इतने लीन हो गए कि हो जाते थे गाते गाते प्रेम में। भजन तो हम लोग भी गाते हैं लेकिन हमारे भजन सुनने के लिए भगवान नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि हमारे भजन में वो प्रेम नहीं है, है ना। भगवान कहते हैं कि जो भगवान के पूरी तरह से शरणागत है और उनके शुद्ध हृदय से उनका गुणगान करता है। माता पिता विश्राम कर रहे थे, पुंडलिक बैठे हुए थे, ऐसे माता पिता के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठे थे, ऐसे बैठे हुए थे सिर गोद में तकिए की तरह, और फिर भजन गा रहे थे भगवान के। उधर भगवान जो है वो रुक्मिणी जी को ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो भजन सुनने की इच्छा हुई भगवान की, भगवान वहां प्रकट हो गए पुंडलिक का भजन सुनने के लिए, है ना। भगवान जो है पुंडलिक का भजन सुनने के लिए सामने आगे खड़े हो गए इस पोज में, इस पोज में सुन रहे हैं, खड़े हैं। स्टाइल ना, पुंडलिक ने देखा भगवान को, अब क्या करे, भगवान आए हैं तो माता पिता सो रहे हैं, उसमें उठेगा तो उनकी नींद टूट जाएगी, सेवा में डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए। भगवान आए उनका स्वागत सत्कार ना किया तो भी प्रॉब्लम है, आसन देना पड़ेगा उनको बैठने के लिए, नहीं तो अपराध लग जाएगा, क्या करे कैसे स्वागत करे। तो वही बगल में एक ईंट को ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया भगवान ने, इसी के खड़े हो जाएंगे, ये आसन है आपके लिए, आओ। में भगवान तो भाव कराई है आसन, भगवान उसके खड़े हो गए ईंट पर, है ना, और सुनने लगे भजन सुन रहे। और वैसे वैसे खड़े खड़े ही भगवान विग्रह बन गए, वो विग्रह पंडित हो गए, वो साक्षात भगवान जो आए भजन सुन और उसी पोज में मूर्ति बन गए। तो हम गए थे एक बार वहां, भगवान के एक विग्रह है जिनका जाकर सीधे डायरेक्ट उनके चरण छू सकता है कोई भी व्यक्ति। अभी तो पता नहीं वहां पर क्या रूल है, पर जब मैं गया था तो आप डायरेक्ट जाके विग्रह के चरण छू सकता है हर व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण दीक्षित हो या ना हो, भगवान बड़े दयालु पंडित हो। तो चैतन्य महाप्रभु भी पंढरपुर गए, गौर अमर जैसे स्थानों कर लो भ्रमण रंगे, जैसे सब स्थानों हेरि गोवामी प्रणय भगत संगे। तो पंढरपुर में भी चैतन्य महाप्रभु गए, और जब पंढरपुर में पहुंचे तो उनको ये सूचना मिली, क्या सूचना मिली, उनके बड़े भाई विश्वरूप देह त्याग कर चुके हैं, वो भी संसार में भौतिक शरीर में, भौतिक प्राकट्य उनका नहीं है, कुछ भौतिक शरीर नहीं होता, क्योंकि विश्वरूप जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं,
उसी तरह से विश्वरूप जी भगवान संकर्षण के अवतार। तो सारे भगवान संन्यास लेते हैं कलयुग में, भक्त लोग नहीं लेते तो क्या करें, भगवान के ही लेना पड़ता है ना, एक किसी को तो लेना पड़ेगा, या तो भक्त ले या भगवान ले। तो भक्त लोग तो लेते नहीं है, उनके लिए तो मना कर दिया गया है कि नहीं, भगवान लोग ही आ जाकर संन्यास ले लेंगे, कंपेंसेट करते रहते हैं। तो भीमा नदी है वहां, उसी नदी के किनारे समाधि लिए थे विश्वरूप जी पंडरपुर। चैतन्य महाप्रभु वहां गए आज ही के दिन, चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास व्रत 4 महीने तक फॉलो करते थे, बहुत स्ट्रिक्टली। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास व्रत बहुत कड़ाई से पालन करते थे, अपने पेट सेव करते थे कि, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपना हेड शिफ्ट किया वहां पर जाकर पंडरपुर में, क्योंकि चतुर्मास में महाप्रभु अपना सिर नहीं मुड़वाते थे, कभी बाल पड़ने देते थे और नाखून नहीं काटते थे, दाढ़ी सब तो। लेकिन जब उनको पता चला कि वहां पर उनके भाई ने शरीर छोड़ दिया, तो उस दिन उन्होंने चतुर्मास का नियम नहीं पालन करके भाई के शोक में जो रिचुअल्स होते हैं उसका उन्होंने पालन किया। और विश्वरूप के संन्यास नाम था शंकरारण्य। क्या? शंकरारण्य, शंकरारण्य विश्वरूप का संन्यास नाम था। तो 1510 ईस्वी में उनका देहांत हुआ सोलापुर में। कहाँ पे? सोलापुर। ये बात चैतन्य महाप्रभु बदल पंडरपुर में, ये सोलापुर में उनका ध्यान हुआ। तो ये चैतन्य चरितामृत से मैंने बताया, मध्य लीला 9वां अध्याय पया 299 से 300 है ना। तो बता रहे हैं चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, श्लोक के तात्पर्य में, कि जब थोड़े बड़े हो गए विश्वरूप, विवाह की उम्र के हो गए, तो उनके माता पिता उनके विवाह की तैयारी करने लगे। तो जब उनको पता चला कि माता पिता उनके विवाह की तैयारी कर रहे हैं, तो घर छोड़कर भाग गए। ऐसा ही करना चाहिए सबको, लेकिन सब लोग करते नहीं है, है ना, क्योंकि सब लोग करेंगे तो फिर माया क्या करेगी। माया को भी कुछ करना है, उसको भी रोजगार देना है, नहीं तो मोदी जी को हेडेक हो जाएगा। माया को भी अनएम्प्लॉयड हो जाएगी ना, क्या है माया क्या करेगा, सारे भक्त अगर संन्यास ले लेंगे तो माया का भी कुछ काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या माया क्या करेगी, फिर बेरोजगार हो जाएगी, खाली दिमाग से दान कर। तो इसलिए कई लोग कृपा करते हैं, माया देवी को रोजगार देते हैं,
निवास बंधन में जाकर, है ना, ये जो द संन्यास नेम ऑफ शंकरारण्य है। He disappeared in Pandharpur, in the district of Solapur. Srila Prabhupada ji bata rahe, wahi baat bata rahe. तो ये सोचना था कि जिनका विवाह हो गया उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो चाहे तो ये रास्ता अपना सकते, है ना, ऑप्शन है आपके पास, ये विकल्प है। उसके बाद है भद्र पूर्णिमा, भद्र पूर्णिमा आज है ना। भागवतम में बताया गया है, श्रीमद् भागवत के 12वें अध्याय 12वां स्कंद, कौन सा स्कंद, 12वां स्कंद के 13वां अध्याय का 13वां श्लोक, 12-13-13, उसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई भद्र पूर्णिमा के दिन सोने के सिंहासन पर श्रीमद् भागवतम रख के, इस पर सोने का सिंहासन बना के भागवतम के लिए, उस पर श्रीमद् भागवत रख के अगर किसी को गिफ्ट देता है तो भगवत धाम चला जाएगा। इस तरह से श्रीमद् भागवत की महिमा, श्रीमद् भागवत को ऐसे लकड़ी के सिंहासन पर नहीं रखना चाहिए, ये अपमान है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो गाजियाबाद में देखो फंड की कमी है तो श्रीमद् भागवत थोड़ा दरिया दिल इंसान है, दरिया दिल मतलब समुद्र, समुद्र जैसा दिल है श्रीमद् भागवत का, आदिकर्ता प्रभु की मजबूरी समझते हैं, इसलिए चलो ठीक है, पत्रम पुष्पम कलम लकड़ी जो भी है ठीक है, क्या कर हम भक्ति आप रख सकते। श्रीमद् भागवतम बताया कि आज के दिन भागवतम गिफ्ट करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का उपहार दो किसी को। संसार में लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, भद्र पूर्णिमा है, आजकल हिंदुस्तान में लोग भद्र पूर्णिमा ये सब नहीं मनाएंगे, क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे, कैसे व्यभिचार को बढ़ावा दिया जाए, है ना, और व्यभिचार बढ़े समाज में, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़े समाज में, कलयुग का ये सब उत्सव है वैलेंटाइन डे, वाइन डे, स्वाइन डे, सुअर दिन, ये सब दिन बना रखा है कलयुग ने, जिस दिन पाप बढ़ता है संसार, क्या बढ़ता है पाप, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उस दिन शुरुआत कर सकते हैं, क्या उस दिन शुरुआत कर सकते हैं आप, इनिशिएशन होगा आपका पाप में, इनिशिएशन डे, शुभ दिन पाप की शुरुआत होनी चाहिए, भक्तों को शुभ दिन दीक्षा होता है भक्ति का, दीक्षा भगवान की भक्ति में, उस दिन से कलयुग भी शुभ शुभ दिन को शुरुआत करता है पाप का, तो एक दिन है वैलेंटाइन डे जिस दिन इनिशिएशन होता है कलयुग इनिशिएशन डे, उस दिन आप पाप शुरू कीजिए, ऑस्पिशियस डे पाप शुरू कर दीजिए, है ना। तो भद्र पूर्णिमा नहीं मना रहे हैं आजकल भारत के लोग, है ना, भद्र पूर्णिमा नहीं, तो क्या मनाएंगे, वैलेंटाइन डे। तो भद्र पूर्णिमा सेलिब्रेट करना चाहिए, कहाँ कहीं पे कुछ हो रहा है भद्र पूर्णिमा के दिन, किसी को पता भी नहीं कि आज भद्र पूर्णिमा है और उत्सव का दिन है, और आज के दिन क्या करना चाहिए,
भागवतम गिफ्ट करना चाहिए, है? किसी टीवी चैनल पे या नहीं है वैलेंटाइन डे देखिए कितना आता है, ठीक है? नहीं, वैलेंटाइन डे तो 10 दिन पहले से ही काउंट डाउन शुरू हो जाता है, ठीक है? नहीं, 10 दिन पहले आज ये डे है, आज ये डे है, आज ये डे है। केवल इस्कॉन में कुछ लोगों को पता है कि आज वध पूर्णिमा है, वध पूर्णिमा सप्ताह चल रहा है तो 10 दिन पहले शुरू कर देते हैं भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं? लेकिन बाहर के लोग, इस्कॉन के बाहर किसको पता भी नहीं है कि फेस्टिवल वीक चल रहा है, इसमें हमको गिफ्ट देना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने गीत भागवत डिस्ट्रीब्यूशन किया? एक एक दो बस तीन आप लोग, तीन हम बस, बाकी लोग नहीं किए, आपका पूरा वीक बेकार हो गया। भगवत धाम जाने का मौका गंवा रहे हैं, श्रीमद भागवत का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए इस वीक में, है ना? बराह पुराण में भद्र पूर्णिमा का वर्णन किया गया कि भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे ब्राह्मण, इस दुनिया में जितने महान उत्सव हैं, है ना, उसमें वो दिन भद्र पूर्णिमा का उत्सव सबसे महान है, इससे बड़ा कोई दिन नहीं है, शुभ दिन, क्योंकि आज के दिन श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत का आज आविर्भाव दिवस है, जानते नहीं? जानते? जैसे भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस होता है, उसी तरह से आज क्या है, श्रीमद् भागवत का आविर्भाव दिवस है, बता रहे हैं। करें कि आज मेरे हृदय में भक्ति और प्रेम का बाढ़ आ गया है, आज मैं बैठकर श्रीमद् भागवत सुनूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, और श्रीमद् भागवत को सजाऊंगा। कहाँ श्रीमद् भागवत सजाया आप लोगों ने? सजाना चाहिए, लिखा हुआ बराह पुराण में देखिए, श्रीमद् भागवत को पढ़ना भी है, सजाना है, और फिर उसको पूजा करना है। आज श्रीमद् भागवत का आज का ड्यूटी पर सिर्फ श्रीमद् भागवत को रख के उसकी आरती होनी चाहिए, उसको भोग लगना चाहिए। कैसे पूजा कैसे करना है श्रीमद् भागवत का? कपड़े से, गहना देके, फूल चढ़ाकर, अगरबत्ती से, लैंप से, जैसे भगवान का होता है उसी तरह से श्रीमद् भागवत की भी क्या होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। आज के दिन बराह पुराण के अनुसार, बराह पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण की पूजा के बारे में बताया गया है। इस हिसाब अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे पुराणों में, स्कंद पुराण में भी आपको श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में बताया गया है ना? लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में किसी और पुराण के बारे में नहीं बताया गया है ना? क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है ना? तो कह रहे कि इस तरह से पूजा करने से क्या होता है, अगर श्रीमद् भागवत की ऐसे हम पूजा करते हैं तो क्या इसका फल मिलेगा? जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा से, अपने प्रेम से, भक्ति से अपने पति को अपने बस में कर लेती है ना, पति बस में हो जाते हैं ऐसी पत्नी के, है ना, लड़ाई झगड़े से नहीं है, या केस करके बस में नहीं कर सकते पति को, पुलिस में केस कर दूंगी, लेकिन कैसे कैसे बस में कर सकते, सेवा और प्रेम से, है? सेवा और प्रेम से जैसे बोलोगी वैसे करेंगे पति, है? अगर कोई पत्नी ये कला सीख ले, क्या सेवा और प्रेम करनी है कला, कि पति को कैसे एकदम ऐसे उंगली पे नचाएगी पति को, ट्रेनिंग होना चाहिए, लेकिन पति ऐसे उंगली पे नाचेंगे, है ना? लेकिन आजकल क्या है, मैं हम किसी से कम थोड़े नहीं है,
मैं क्या सेवा करूं, तुम करो सेवा, है ना। इसलिए क्या हो जाए, क्या हो जाए, तलाक, तलाक। सनातन धर्म में तलाक का कोई कल्चर नहीं है। एक तलाक आया है अब्राहमिक रिलीजन से, हमने एक्सपोर्ट किया है इसको, क्योंकि जब इंडिया में किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। तो हमने इंपोर्ट किया, विदेशों से इंपोर्ट करते, जैसे है ना, जैसे हथियार इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो बाहर से हम इंपोर्ट करते। तो उस तरह से तलाक में हमने, इंडिया में नहीं होता तो कमी पड़ रही थी, तो हम इंग्लैंड से, अमेरिका से इंपोर्ट की कभी। आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग अमेरिका से इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक ट्रेनिंग की पत्नी जो है वो पति के सेवा, समर्पण और प्रेम, इसके द्वारा उसको बस कर सकते हैं। उसी तरह से ये कॉन्शियसनेस, अगर हम श्रीमद् भागवत की भी सेवा करें, उसकी पूजा करें, उनकी श्रद्धा से और प्रेम करें श्रीमद् भागवत से, तो श्रीमद् भागवत भी हमारे बस में हो जाएगा। सनातन गोस्वामी जी श्री कृष्ण लीलास्तव में श्रीमद् भागवत का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, है ना। श्री कृष्ण लीला स्तव एक स्तुति लिखा है शिला सनातन गोस्वामी जी ने, उस स्तुति में श्रीमद् भागवत के बारे में बताते कि हे श्रीमद् भागवत, सारे वैदिक शास्त्र रूपी समुद्र को जब मंथन किया गया, है ना, सारे वैदिक शास्त्र रूपी समुद्र का जब मंथन किया जाता है तो उससे जो अमृत निकलता है वो क्या है, समुद्र मंथन से क्या निकला, अमृत है, क्या निकला, अमृत। और वैदिक शास्त्र का जब मंथन करते हैं, क्या करते हैं, मंथन करते हैं, तो क्या निकलता है, श्रीमद् भागवत निकलता है सबसे लास्ट में, लेकिन निकलता है अमृत सबसे लास्ट में आया है कि नहीं। उस तरह से श्रीमद् भागवतम सबसे लास्ट में निकला है। कहते हैं कि हे समस्त वैदिक शास्त्रों के पका हुआ फल श्रीमद् भागवत, हे सारे शास्त्रों के सिद्धांतों के निष्कर्ष श्रीमद् भागवत, हे इस संसार के समस्त जीवों को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत, वैष्णवों के जीवन और प्राण श्रीमद् भागवत, हे भगवान श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत को क्या बोला गया है, भगवान, क्या बोला गया, भगवान। आप एक सूर्य के समान हैं जो इस कलयुग में प्रकट हुए, कलयुग के सारे अंधकार का नाश करने के लिए। वास्तव में आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं जो श्रीमद् भागवत के रूप में आप प्रकट हुए हैं हम सबको उद्धार करने के लिए। श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है किस लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए। तो आप में कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवत है, नहीं तो आप अपने ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते, आपके पास ऐप स्टोर है, गूगल क्या, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, किसके पास नहीं है, हाथ उठाई है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, है ना, एक पैसा भी नहीं लगने वाला, भगवान की देखिए कितनी कृपा। पहले लोग बहाना देते थे क्या, क्या हमारे पास पैसा नहीं है, है ना, और इस प्रकार से बच जाते थे भागवत पढ़ने से। भगवान इतने दयालु हैं, देखो भागवत
तो इतना सरल बना दिया। आप जाओ हैं और वेदाबेस करके एक ऐप है ना, उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें सारी भागवत सब कुछ है, 2 सेकेंड लगेगा, है ना। और अगर आज के दिन आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको भगवत कृपा प्राप्त होगी, विशेष रूप से आज के दिन अगर आपने किया, है ना, क्योंकि आज भद्र पूर्णिमा है, क्या है, तो भद्र पूर्णिमा के दिन भागवत इंस्टॉल करो अपने स्मार्टफोन में, क्योंकि घर में तो करेंगे नहीं आप लोग, मुझे पता है, क्योंकि खर्चा करना नहीं चाहते आप लोग, तो श्रीमद भागवत की महिमा का वर्णन किया इस प्रकार से, है ना। तो भागवत पढ़ने से क्या होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण प्रेम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करता है ना। और आज भद्र पूर्णिमा के दिन ही क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास भी लिया, क्या क्या, आज के दिन ही श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया। क्यों संन्यास लिया आप जानते, आज ही के दिन क्यों लिया है, आज ये दिन बांटने के लिए लिया, क्या इसलिए, तो बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में, है ना, भागवत कैसे प्रकट हुआ, है ना, उसका वर्णन है कि श्री सूत जी ने कहा कि वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्यप्राश नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संबंधित करने वाला है। सम्यप्राश सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी का आश्रम था, सम्यप्राश नामक स्थान में, उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठे। व्यास जी का जो आश्रम है, उनका रहने का स्थान कहाँ, वो कौन से किस फल के गार्डन में होता है, बेर के फल के बगीचे, बेर खाए आप लोग, बेर के पेड़ देखे हैं, बेर आप व्यास जी के आश्रम में जाएंगे तो आपको बेर खाने को मिलेगा, बेर ऐसा, इसलिए उसका नाम भी पड़ेगा बद्री का आश्रम, बद्री मतलब बेर, है ना, बद्री का आश्रम, है ना, वहां पे बेर बन गए, कौन बेर, बेर कौन बनी, लक्ष्मी जी, है ना, लक्ष्मी जी बेर के पेड़ बन गए, क्यों, क्योंकि भगवान नारायण नारद जी जो है वो तपस्या, नारद जी एक बार भगवान के पास गए और भगवान को बोले प्रभु आपको ना, आप भक्तों को तो बोल दिए कि सुबह उठ जाना चाहिए और मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए मंगल आरती, लेकिन भक्त लोग जो है जब आपका फोटो देखते हैं तो आप सोते रहते हो, हमेशा क्षीर सागर में भी सोते रहते हो, कारण सागर में भी सोते रहते हो, गर्भोदय हमेशा लेटे रहते हो और भक्तों को बोलते हो कि बैठो ना, उठो, है ना, तो भक्त लोग इंस्पायर नहीं हो पा रहे हैं आपके आचरण से, भक्त सोच रहे हैं प्रभु हमेशा सोते रहते हैं, तो भक्त भी हमेशा सोएगा, क्योंकि भक्त जागेगा तो प्रभु जाग जाएंगे, है ना, तो प्रभु की नींद खुल जाएगी, इसलिए हम भी सो जाते हैं, नहीं तो भगवान को डिस्टर्बेंस होगा सोने, हम भी सोएंगे, भगवान भी सोएंगे तो किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नहीं। मैं एक बार मिर्जापुर गया था तो वहां पे हम लोग मिर्जापुर से वापस दिल्ली आना था, तो ट्रेन जो है वो रात के 9 बजे थी, लेकिन वो ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई, तो रात के 1 बज गए, ट्रेन का एक वेट करते करते स्टेशन पर ही मैं 1 बजे बैठ के जप कर रहा था स्टेशन पर रात के, तो एक आदमी आता है बोलता है साधु होकर आप
को थोड़ा भी सेंस नहीं है। हम बोले क्या बात, क्या हो गया भाई? बोले आप जप कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, रात में आप भगवान को सोने भी नहीं दे रहे हो। रात का समय भगवान सो रहे होंगे, आप उनको बार बार पुकारेंगे तो सो पाएंगे। बोले बेटा कितना टेंशन नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से फिलोसफी लेके आते हैं लोग हैं। और बहुत इमोशनल था, रियली वेरी इमोशनल कि आप भगवान को, मतलब एक चीज तो मैंने, मुझे अच्छा लगी तो भगवान को लेकर बहुत इमोशनल है ना। तो नारद जी बोले प्रभु आप हमेशा सोते रहते हो, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप भक्तों के, कुछ तपस्या उपस्या करो आप, है ना। ऐसे नारद जी बोले कुछ तपस्या उपस्या करके थोड़ा एग्जाम्पल से सिखाओ, है ना। अपन आचार्य प्रभु जी और यदि आदित्य श्रेष्ठ है तो भगवान बोले नारद जी आप ठीक बोल रहे हो, थैंक यू याद दिलाने के लिए, मैं जाऊंगा आप तपस्या करूंगा। तो भगवान आए फिर बद्रिकाश्रम, है ना, कहाँ है बद्रिकाश्रम, वहां पे बद्रीनाथ, तो वहां पे शिव जी तपस्या करते थे पहले से। पहले शिव जी का वहां, क्योंकि एकांत जगह था, शिव जी भगवान शिव एकांत जगह में जाकर ढूंढ के वहां जप करते हैं ध्यान को। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे चार पांच भक्त हों और थोड़ा बीच बीच में इंटरटेनमेंट भी चलता रहे तो वहां बैठ के थोड़ा जप करेंगे तो नींद नहीं आएगी, है ना, और पता भी नहीं चलेगा कि जप हो रहा है और जल्दी खत्म हो जाएगी। टाइम पास के लिए बादाम बादाम रखा रहेगा थोड़ा, पता भी नहीं चलेगा, नहीं तो दो घंटा जब जुगाई तब नहीं में सेम समझते, कभी खत्म होगा ये दुख का समय, है ना। तो इसलिए थोड़ा भक्तों के बीच थोड़ा बीच बीच में थोड़ा बात उत करके प्रभु ठीक है सब बढ़िया, तो क्या हुआ, बोले बस थोड़ा आचरण से शिक्षा देने गए हैं, है ना। तो नारद जी ने नहीं बताया कि मैंने ऐसा बोला है, लेकिन ये बताया कि भगवान को थोड़ा तपस्या करने गए। कहाँ गए, बोले बद्रीनाथ गए, लक्ष्मी जी माता लक्ष्मी पीछे पीछे आई तो देखे कि भगवान धूप में ही बैठ के क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो लक्ष्मी माता ने क्या किया, बेरी का वृक्ष बन गई, क्या बन गई, बेरी का वृक्ष बन के ऊपर खड़ी हो गई भगवान को छाया प्रदान करने के लिए, सेवा, क्या सेवा। तो लक्ष्मी माता भी तपस्या कर रही है इस रूप में, बेरी के वृक्ष के रूप में भगवान के साथ वैकुंठ छोड़कर वो भी वहां पे आ गए, ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से बद्रीनाथ बना, और व्यास जी ने उसी को चुना है इसके लिए, अपने आश्रम के लिए सम्य प्रयास, इसलिए अब बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां पे व्यास आश्रम, व्यास गुफा, है ना, उसी का स्थान बता रहे हैं यहाँ पे कि व्यास जी वहां पे ध्यान लगाने लगे, ध्यान में चले गए, ध्यान ध्यान लगेंगे सब लोग, ध्यान सही गम, ध्यान ध्यान लगाए तो क्या देख रहे, ध्यान में कुछ दर्श दिखाई दिया है, कुछ क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ दिखाई देने लगा, आंख बंद करके दिखाई देने लगा, कई बोल आंख खोल करके दिखाई देता है, आंख बंद करके ऐसे दिखाई दे, वास्तव में चीजें दिखाई देती आंख बंद करके, हम इस आंख से थोड़े ना देखते, हम आंख बंद करेंगे ना तो भी हम देख सकते हैं कि अविनाश प्रभु मेरे सामने बैठे हुए हैं पीले कपड़े में, है ना, और हाथ में पेन है ना, बताया ना, है ना, देखिए तो आंख बंद करके कैसे देख पाएंगे कि हाथ में पेन है, कैसे पता चलेगा, आंख बंद था कैसे,
मैं देख पा रहा हूँ ना, फोटो आ रहा है इनका, अविनाशों का फोटो आ गया है पीले कपड़े में, हाथ में पेन है नीले रंग का, थोड़ा नीला है थोड़ा, और गोद में एक नोटबुक भी है ना, सब दिखाई दे रहे थे। आंख बंद है तो कैसे दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न है कि नहीं? अगर मेरा आंख बंद है तो क्या क्या कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि फोटो खींच, किसने फोटो खींचा, जो फोटो तस्वीर जो अंदर मन मानस पटल में प्रकट हो रहा है, डेस्कटॉप पे विंडो पॉपअप हो गया, तो फोटो का अंदर इसमें डेस्कटॉप भी है कि नहीं, और क्लिक किया तो फोटो भी आ गया, नाश प्रभु वाला अधोज धाम प्रभु वाला फोटो क्लिक करो, अधोज धाम प्रभु का फोटो चश्मा पहने हुए हैं सफेद वस्त्र धोती कुर्ता में, तो कैसे दिख रहा है मेरे को, जिसका आदिकर्ता प्रभु का क्लिक करो, आदिकर्ता प्रभु का बोल रहा है डेस्कटॉप पे है, कैसे हो रहा है ऐसे, इसका मतलब कितना फास्ट काम कर रहे हैं, फोटो खींच लिया सबका, स्टोर भी कर लिया डाटा, और क्लिक कर करके आंख बंद करके देखते रहिए, तो कौन देख रहा है, आंख कहाँ है, आंख तो बंद है, इसका मतलब मन की आंख है, सूक्ष्म आंख, क्या सूक्ष्म दृष्टि, रात में हम सो जाते हैं तो आंख बंद रहता है लेकिन सपना देखते हैं, अरे सपना देखा, अरे सपना कैसे देखा, जब सो रहे थे आंख बंद था तो कैसे देखा है, इसका मतलब आंख केवल यही आंख से नहीं इंसान देख रहा है, अंदर हमारी आंख है सूक्ष्म आंख, क्या सूक्ष्म आंख होती है, समझ में, तीसरी आंख थर्ड आई है ना, तो सूक्ष्म आंख को जागृत करना चाहिए है ना, उसी तरह से व्यास जी ने आंख बंद किया था लेकिन ध्यान में अंदर की आंख खोली है ना, और फिर क्या देखा, करेगी वहां पे उन्होंने देखा कि इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति योग से बंध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया, भक्ति योग के द्वारा मन को एकाग्र किया पर, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया लेकिन साथ साथ माया का भी दर्शन किया, किसका, माया का दर्शन, दोनों जरूरी है, केवल भगवान के दर्शन से काम नहीं चलेगा, माया का दर्शन ज्यादा जरूरी है भगवान के दर्शन, क्योंकि जब तक माया के दर्शन नहीं होंगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, तब लोग माया को तो रोज देखते रहते हैं, उसमें दर्शन क्या करता है, मैं देखने की बात नहीं करता, माया पे ध्यान लगाने की बात, क्या ध्यान, माया को देखो मत, माया को ध्यान से देखो, ध्यायते विषयात्मनः, ध्यान से देखो माया को, माया यथारूप, क्या माया एज इट इज, माया एज इट अपीयर्स नहीं, माया एज इट इज, तो माया एज इट इज क्या देखा कि कैसे माया जो है वो जीव को रुला रही है, क्या देखा माया क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, जीव को रुला रही थी, जीव को तड़पा रही थी, तड़पा तड़पा के मन गई, ये जब तक दर देख लेंगे तभी भगवान को देखने की इच्छा जागृत है, माया के स्वरूप का दर्शन कौन करता है, कैसे भिंगा भिंगा के मार रही है, इस स्वरूप का दर्शन करना बहुत जरूरी है माया है ना, तो जब माया के दर्शन किया तो करेगी जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस माया शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है,
क्या भोगता है? कष्ट, कष्ट भोगता है। ये देखा किसने? देखा है, बोलिए व्यास जी ने। तो माया का इस प्रकार से दर्शन, कैसे माया है जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनंत समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं। ये भी देखा, ये भी देखा, क्या ये भी देखा कि जीव कितना कष्ट में है। साथ साथ ये भी देखा इस कष्ट को दूर करने का उपचार भी देखा, दवाई, क्या दवाई भी देखा, क्या है भक्ति योग, क्या भक्ति योग के द्वारा उसके सारे कष्टों का उपचार किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। फिर उन्होंने ये भी देखा समझा, लेकिन ये बात कि संसार के जितने कष्ट हैं, क्लेश हैं, दुख हैं, वो सब भक्ति के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, इस बात को अधिकांश लोग जानते ही नहीं। इसलिए वो डॉक्टर के पास जाएंगे, हर हर मोदी के पास जाएंगे, योगी के पास जाएंगे, मोदी के पास जाएंगे, किस लिए? अपने कष्टों का निवारण के लिए है। जैसे कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की घटना है, एक लड़की का रेप कर दिया जैसे, तो उसकी माँ जो है वो पुलिस स्टेशन गई, उस रेपिस्ट को पकड़ के, उसको ये सोचते कि दंड मिलेगा, पुलिस पकड़ के जेल में मारी पिटाई करेगी, न्याय मिलेगा। तो पुलिस वाले ने माँ का भी रेप कर दिया, हो गई न्याय मारने पुलिस के साथ। तो पुलिस वाला तो क्रिमिनल से भी खतरनाक है, माँ का रेप कर दिया है। तो कहाँ जाते हैं लोग? ऐसे लोगों के पास जाते हैं, किस लिए है? अपने कष्टों का निवारण करने के लिए। क्यों जाते हैं? भागवत नहीं पढ़ते हैं, हरिनाम नहीं करेंगे, ये सब में जाएंगे। द्रौपदी के ऊपर जब संकट आया तो कहाँ गई? भगवान की शरण में गई, भक्ति योग का पालन किया। लेकिन आजकल के लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, है ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये भी समझना है कि वास्तव में इन कष्टों का निवारण होगा भक्ति योग के द्वारा। लेकिन अधिकांश लोग इस बात को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं पता है? क्योंकि अविनाश लोग प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रसाद पा के आराम से रहते हैं। ये भी देखा व्यास जी, ये भी देखा, इतने सारे भक्त हैं लेकिन कोई प्रचार नहीं करता, कोई भागवत बांट मुक्ति सूचन नहीं करता। तो कह रहे कि अधिकांश लोग इसको नहीं जानते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, हरि बोल। अधिकांश लोग इस बात को नहीं जानते कि भक्ति योग के द्वारा जीवात्मा के कष्टों का निवारण हो सकता है, इन संसार के सारे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है भक्ति योग के द्वारा। इस बात को ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए विद्वान व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया। कौन सा वैदिक साहित्य? श्रीमद् भागवत। में श्रीमद् भागवत को क्यों लिखा व्यास जी ने? क्यों लिखा? जीवात्मा के कष्टों का निवारण के उद्देश्य से, ये मेन पर्पस है श्रीमद् भागवत लिखने का है। कि जब भागवत पढ़ेंगे तो भक्ति योग को समझेंगे, और भक्ति को समझेंगे तो भक्ति योग करेंगे, और भक्ति योग करेंगे तो उनके कष्टों का निवारण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसमें इसका संबंध परम सत्य से है। अब क्या हुआ? कहते हैं कि इस वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है।
टाइम यानी कि 10 साल के बाद 20 साल के बाद तुरंत प्रकट हो जाएगी प्रेमा भक्ति। इतना इतना एक श्लोक सबको याद करने का है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक 1.7.7 177 177 सबको याद रखना चाहिए। जस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परमगुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। शोक मोह भय आपहा, आपहा मतलब अपने आप ही भाग जाते हैं, आपहा है। शोक मोह और भय, हर व्यक्ति डरा हुआ है सत्तम से जुदा ना हो जाए, इसके लिए भी डरे हुए हर व्यक्ति, हिंदू बहुत डरे हुए है क्या, सत्तम से जुदा, सत्तम से जुदा है। सबसे ज्यादा सत्तम से जुदा तो हिंदू ही कर रहे हैं, कैसे है, समाज का सिर क्या है, ब्राह्मणिकल कल्चर। और ब्राह्मण ब्राह्मणिकल कल्चर को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा है, हिंदू ही पहुंचा है। इसलिए ब्राह्मण कल्चर को नष्ट करने का मतलब है सर्तन से जुदा। जब सर्तन से जुदा हो गया तो ऐसे ही सर बचा ही नहीं, अब क्या जुदा करेंगे, सर है सोसाइटी में तो बोलते हैं सर 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 कैसे ना, सर है ही तो जुदा क्या करेंगे। समाज का सिर ब्राह्मण होते हैं, है कि नहीं, आजकल ब्राह्मण है क्या है, इसको जुदा करेंगे तो ब्राह्मण होना चाहिए, फिर तो काटेंगे, ब्राह्मण ही सब शूद्र है, कलो शूद्र ही संभव। इसलिए भयभीत है, भय शोक मोह और भय तीनों भाग जाते हैं छोड़कर आपको, अगर हम क्या करेंगे, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिसको सुनेंगे अगर है इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देगी। ब्रह्मचारी शोक मोह भय है तो भागवत को पढ़ो, क्या करना है, अगर आपको शोक मोह भय आ रहा है तो क्या करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। तो भागवत पढ़ेंगे तो शोक मोह भय की अग्नि को तुरंत बुझा देगा, पानी के समान है, पानी डाल देंगे आग लगाए तो पानी फेंको, तो कॉमन सेंस है लेकिन जहां आग लगता है तो क्या करते हैं, तुरंत बच्चा भी पानी उठा के लाएगा फेंकेगा, है कि नहीं। उसी तरह से शोक मोह और भय रूपी आग जब लगती है तो क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवत रूपी पानी को फेंको उस आग पर, ठीक है, सबके पास पानी लेकिन होना चाहिए ना, इसलिए भद्र पूर्णिमा के दिन पानी बांटो ज्यादा से ज्यादा, सबके घर में पानी होना चाहिए, श्रीमद् भागवत रूपी पानी, नहीं तो सुसाइड कर जाएंगे सब, सुसाइड बढ़ रहा है क्यों, क्योंकि पानी नहीं डाल रहे, ससंगीतां भगवतीं कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजं सुखम अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। कितने सुंदर बात बताए हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत का संकलन कर दिया व्यास जी ने, है? क्या किया, श्रीमद् भागवत का संकलन किया, संकलन मतलब लिखा, लिखा अब पब्लिशिंग हो गया, पब्लिकेशन अब डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए,
कि नहीं, क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले प्रॉब्लम डिसाइड किया गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसाइड किया गया श्रीमद् भागवत चाहिए, भक्ति योग संहिता, परमहंस संहिता, भक्ति योग, जिसमें बताया जाएगा उससे समस्या हल होगा। भक्ति योग के लिए श्रीमद् भागवत लिखा गया और श्रीमद् भागवत पब्लिश हो गया, व्यास जी ने पब्लिश कर दिया भागवत। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने पर और फिर उसके बाद उसे संशोधित करने के बाद, संशोधित मतलब प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग भी किया व्यास जी ने, उसमें कुछ कमी तो नहीं है। उसके बाद महर्षि व्यास देव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, प्रीचर फैसिलिटेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या पहले मैनुअल कोर्स है ना, ट्रेनिंग मैनुअल बनाया, ट्रेनिंग कोर्स बुक, कोर्स डिजाइन किया, फिर फैसिलिटेटेड ट्रेनिंग, तो फर्स्ट फैसिलिटेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम और फर्स्ट कोर्स डिजाइन किया व्यास जी ने, और उसके बाद फर्स्ट फैसिलिटेटेड ट्रेन किया व्यास जी ने किसको? सुखदेव जी को। समझ में आ रही कटिंग का पॉइंट? फैसिलिटेटेड ट्रेनिंग एफटीपी, और फिर सुखदेव जी को ही क्यों चुना फैसिलिटेटर के लिए? क्योंकि बता रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे, ऐसा फैसिलिटेटर होना चाहिए, यानी किसी को पकड़ के बिठा दो चलो प्रचार कीजिए, सुखदेव जी जैसा व्यक्ति चुनना पड़ेगा आपको, है ना, फिर उसको फैसिलिटेटर ट्रेनिंग किया जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ? अब सौनक ऋषि करते, अब देखिए सुखदेव जी को पढ़ा दिया, फैसिलिटेटर ट्रेनिंग में पक्के हो गए। बता रहे कि सुखदेव कहते हैं कि सौनक ने सुख गोस्वामी से कहा, पूछा, सुखदेव तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तो बता रहे कि जो आत्मा में आनंद लेते हैं ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं ऐसे आत्माराम, यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधन से मुक्त हो चुके हैं फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। श्री व्यास देव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और सुत गोस्वामी ने सौनक आदि ऋषि को संबोधित किया, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजा परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषय वार्ताएं एवं पांडव पुत्र द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। स्पीकर अब तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया? श्रीमद् भागवत के स्पीकर सुखदेव जी, श्रीमद् भागवत भी तैयार हो गया, श्रीमद् भागवत का स्पीकर तैयार हो गया ना, अब स्पीकर रेडी है, ऑडियंस भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑडियंस, बिना ऑडियंस के स्पीकर क्या करेगा? घंटी बजाएगा बैठ के आसन पे, तो अब बोलते हैं सौनक सुत गोस्वामी बोलते हैं अब मैं ऑडियंस का तैयार करूंगा। ऑडियंस कौन थे? परीक्षित महाराज। तो सुखदेव जी तो भागवत तैयार हो गया, सुखदेव जी तैयार हो गए, अब कौन तैयार होगा? श्रोता तैयार होगा, परीक्षित। तो यहां से सातवें अध्याय के पहले स्कंद के सातवें अध्याय के बारहवें श्लोक से लेके आठवें अध्याय तक पूरा ही जितना स्टोरी यहां सुनाया जाएगा उसमें श्रोता तैयार होगा। कौन श्रोता? परीक्षित। भागवत तैयार हो गया, ट्रेनर तैयार हो गया, कोर्स मैनुअल तैयार हो गया, अब क्या तैयार करना है? श्रोता, श्रोता राजा परीक्षित,
इसलिए बता रहे हैं। क्या बताए कि अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषय की वार्ताएं और पांडव पुत्र द्वारा गृहस्थ आश्रम त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। मैं बताऊंगा कि राजा परीक्षित के बारे में। और जब तीनों तैयार हो जाएंगे, फर्स्ट कैंटो इज नथिंग बट तीनों को तैयार करना, तीन लोग तैयार हो गए तो फिर क्या होगा, भागवत की गंगा बहेगी, है ना। और जब गंगा बहेगी तो हम लोग भी डूबने लगेंगे, है ना। तो गंगा बही रही है तो उसमें डुबकी लगाना है नहीं, तो इस तरह से अब भागवत की गंगा बहेगी सेकंड कैंटो से, है ना। तो परीक्षित महाराज को सुनाएंगे भागवत, राजा परीक्षित को भागवत सुनाएंगे। सुखदेव जी व्यास जी से भी एक्सपर्ट बन गए हैं, गुरु उड़ ही रहा चेला चीनी हो गया हैं। सुखदेव जी ने भागवत सुना व्यास जी से, भागवत को व्यास जी ने लिखा और उन्होंने फैसिलिटेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, फर्स्ट फैसिलिटेटर ट्रेन किया सुखदेव जी को, है ना। और सुखदेव जी ऐसा फैसिलिटेटर बने कि व्यास जी को भी पीछे छोड़ दिए हैं, ऐसे बताते हैं कि व्यास जी भी क्यों पोटेंशियल फैसिलिटेटर थे, बहुत स्ट्रांग व्यक्ति को चुना था, तो सारा साक्षात्कार में एकदम मग्न था, कोई भौतिक कामना नहीं थी उसका, ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया व्यास जी ने और उसको ट्रेन कर दिया, वो ज्यादा काम नहीं करने का। इसलिए ये देखो कितना सिस्टमेटिक चीज बताया गया है, किताब लिखना राइटिंग, व्यास जी ज्यादा काम नहीं करते, वो क्या करते हैं किताब लिखते हैं, एक आदमी को ट्रेन करके छोड़ देते, अब जाओ उसके बाद वो फिर किताब अपना लिखते रहते, माला करते रहते, ज्यादा नहीं करने का, बहुत ज्यादा लेजी इंटेलिजेंट इसको बोलते हैं, क्या होते हैं लेजी इंटेलिजेंट। और सुखदेव जी भी ज्यादा टेंशन नहीं मिली, वो अपना पढ़ के भागवत में आनंद ले रहे, राजा को पकड़ के पढ़ा दिए, अब बाकी काम राजा करेगा, है कि नहीं, किंग किंग शुड बी मेड टू गो, है ना। तो भागवत सुना राजा परीक्षित ने, है, और फिर राजा अगर भागवत क्या इंपॉर्टेंस समझ जाए तो फिर क्या होगा। तो इस प्रकार से भागवत प्रकट हुआ। फिर बाद में देखा गया कि नहीं भाई भागवत तैयार तो हो गया, सुखदेव जी ने बोल भी दिया, राजा परीक्षित ने सुन भी लिया, लेकिन फिर भी भागवत जो है वो कलयुग के हर जीव तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए भागवत को पहुंचाने के लिए फिर शिल प्रभुपाद जी को भेजा गया, किसको भेजा गया, शिल प्रभुपाद, क्यों, क्योंकि संस्कृत में कोई समझ ही नहीं पा रहे, कलयुग ने ऐसा काम कर दिया कि भाई भागवत व्यास जी आपने लिख दिया तो हम किसको समझ नहीं दे देंगे, तो कैसे नहीं समझने दोगे तुम, बोले हम संस्कृत भाषा को ही जाय करते हैं, अब क्या करोगे बताओ, आपने संस्कृत में लिखा है ना, न रहेगा संस्कृत न कोई पढ़ेगा भागवत, है कि नहीं, संस्कृत खत्म तो संस्कृति खत्म, संस्कृति खत्म भागवत खत्म सब खत्म, अब क्या करेंगे, ढोल बजाइए, है कि नहीं, ये सीरियस प्रॉब्लम था। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रभुपाद जी बोला कि तुम वैदिक शास्त्रों को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना, क्या बोले भागवत लिखो, है ना, इसलिए बृहद वर्धन, क्या बृहद वर्धन, ये सारा बहुत सुनियोजित तरीके से सारा मास्टर माइंड प्लानिंग है, ये सब मास्टर माइंड प्लानिंग। इसलिए कहा कि भागवत पे फोकस करो, क्यों, क्योंकि भागवत को इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखोगे तो कलयुग का ये मेन भाषा है, कलयुग का भाषा है, क्या कलयुग का भाषा ये है ना, मलच भाषा इंग्लिश, तो बोले इसी में उसी के साम्राज्य में अटैक करने के लिए उसके भाषा में भागवत को प्रकट करा दें, है ना, और फिर बांटेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में भागवत लिख दिया है ना, और इंग्लिश में श्रीमद भागवत प्रकट हो गया, दवाई इंग्लिश दवाई हो गई, अंग्रेजी दवाई बन गई, आयुर्वेद वैदिक दवाई से काम नहीं चलता, तो अंग्रेजी दवाई
अंग्रेजी दवाई कंटेंट वही, लेकिन इंग्लिश दवाई होनी चाहिए, है ना। और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए फिर इस्कॉन बनाया, क्या बनाया, इस्कॉन। पब्लिशिंग हो गया लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, होना चाहिए ना। इसलिए बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर आए, उसको बनाया। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा बुक्स आर द बेसिस, क्यों कहा, क्योंकि व्यास जी ने कहा है इस संसार में जो दुखी जीव है, माया का दर्शन किया, माया कैसे जीव कष्ट करी उसका दर्शन किया, और फिर उसके निवारण का दर्शन किया कि भक्ति योग के द्वारा इसका निवारण हो सकता है। और फिर ये सोचा कि अधिकांश लोग भक्तियों के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए भक्तियों को बताने के लिए भागवत लिखा, और भागवत को सुखदेव जी को समझाया, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। फिर उसके बाद श्री प्रभुपाद जी आए, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और फिर हम लोग आए अब बांटेंगे इसको, लेकिन अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना ज्यादा से ज्यादा बांटते हैं, तो फैसिलिटेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम और बनाइए, भागवत डिस्ट्रीब्यूट। जितना भागवत जाएगा समाज में उतना भक्ति योग बढ़ेगा, और जितना भक्ति योग बढ़ेगा उतना कृष्ण प्रेम प्रकट होगा, जितना कृष्ण प्रेम प्रकट होगा उतना शोक मोह भय अपहा, उतना शोक मोह और भय दूर होगा इस समाज संसार से। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। तो आज प्रश्न उत्तर नहीं होगा, समय हो गया है, थैंक यू।